फ्रेंड वंस अगेन वेलकम यू आल आन एस बी मीन सलका स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स एज यू ऑलरेडी नो दैट आई एम कम्प्लीटिंग अ सीरीज ऑफ फाइव थाउजेंड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स टूडे आई एम गॉनर टू डिस्कस अबाउट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन आज हम बात करेंगे इंडियन लिटरेचर का और इंडियन लिटरेचर के हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज हम कंप्लीट करेंगे लेकिन उस हंड्रेड क्वेश्चंस में जो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इसमें फ़ोर के फोर पार्ट्स जो हैं चार के चार ऑप्शन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और फ्रेंड जब हम कभी किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो वो हमें अच्छे से याद भी हो जाता है और उसी समय जब याद हो जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से उसे याद कर पाते हैं एग्ज़ाम में भूलता नहीं है तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विच ऑफ़ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ स्टोरी इज़ नॉट रिटेन बाय रूथ झाबो वाला अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें से जो स्टोरी के कलेक्शन हैं इसमें से कौन सा रूध झाबवाला के द्वारा नहीं लिखा गया है आप जानते हैं कि यहाँ पर फोर ऑप्शन दिए गए हैं और फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो रूध झाबवाला ने नहीं लिखा है रूध झाबवाला ने नहीं लिखा है तो किसने लिखा होगा सबसे पहले तो इसे आइडेंटिफाई करना है अब यहाँ पर हमें नॉलेज अप्लाई करने की वाली बात होती है कि चार के चारों ऑप्शन हमें जानने होंगे जू जी सी नेट ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रखता है फोर के फोर ऑप्शन हमको ठीक तरीके से जानना होगा फिलहाल हम समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले पहला ऑप्शन बताएंगे जो कि करेक्ट है गेम्स एट ट्वीलाइट इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड कौन सा है गेम्स एट टू लाइट यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है अब यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ये था कि कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इज नॉट रिटर्न बाई रूथ झाबावाला यानी कि इसमें से एक जो गेम्स एट Twilight है यह रूज जब वाला के द्वारा नहीं लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी स्टडी होनी चाहिए तो गेम्स एट ट्विलाइट किसका वर्क है वेरी गुड अनीता देसाई का वर्क है अनीता देसाई ने इस वर्क को लिखा है और ये क्वेश्चन और हो सकता है गेम्स एट ट्विलाइट पब्लिश कब कराई गई थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 सेवेंटी में तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन आपके बन गए गेम सेट टू लाइट इसका करेक्ट ऑप्शन है गेम सेट टू लाइट किसने लिखा है अनिता देसाई ने लिखा है कब पब्लिश कराई गई थी 1978 में कराई गई थी ये कौ किस टाइप का वर्क है तो एक फ़िक्शनल वर्क है फिक्शनल वर्क बाई अनिता देसाई चलिए अब जब हमें ये पता चल गया कि गेम्स एट ट्रू नाइट ट्रू लाइट जो है वो अनिता देसाई का है 1978 में पब्लिश कराई गई है तो बाकी के सारे वर्क्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं कि रू झबवाला के हैं लेकिन थोड़ा सा उस पर डिस्कशन ये करेंगे कि लाइक बर्ड फिशेस लाइक बर्ड लाइक फिशेस ये जो वर्क है इस इसको पब्लिश कब कराया गया था कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि लाइक बर्ड्स एंड फ़िश हो सकता है अगली बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो लाइक बर्ड्स फिशेस पब्लिश कराई गई थी 1963 में कब 1963 में ऑप्शन बी पे आते हैं ए ए इस्ट्रॉगर क्लाइमेट ए एस्ट्रॉगर क्लाइमेट कब पब्लिश कराई गई थी तो ये कई एडिशन में पब्लिश कराई गई थी जिस इसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो फर्स्ट एडिशन ऑफ पब्लिकेशन था 1968 में था तो लाइक बर्ड फिशेस कब हुआ था 1963 सिक्सटी थ्री में ए स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट 1968 में लाइक बर्ड फिशेस 1963 ए स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट 1968 फिर लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे इस ऑप्शन को हम देखते हैं हाउ आई बिकेम ए होली मदर हाउ आई बिकेम ए होली मदर ये पब्लिश कब कराई गई थी रूद रूथ परवर झाबवाला का तो ये वर्क है ही लेकिन पब्लिश कब कराई गई थी हाउ आई बिकेम ए होली मदर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1976 में तो पहला ऑप्शन जो लाइक बर्ड फिशेस है ये है इसका आंसर है 1963 और ऑप्शन बी जो है वो 68 में है और ऑप्शन डी जो है वो 76 में है चलिए इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय हमको एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर दो राइटर्स हमने डिस्कस किए एक तो जो ऑप्शन सी की राइटर uh, हैं अनिता देसाई और बाकी जो थ्री ऑप्शन हैं रूद झाबो वाला थोड़ा सा रुझ वाला को भी हम समझ लेते हैं कि रुझ झाबावाला की बर्थ डेट क्या है सेवेंथ ऑफ मई नाइनटीन ट्वेंटी सेवन मतलब सेवेंथ ऑफ मई नाइनटीन ट्वेंटी सेवन को रूद झाबो वाला का बर्थ का जन्म हुआ था और थर्ड ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड थर्टीन में इनकी डेथ हुई थी ये एट्टी फाइव ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हुई थी किसकी रूथ परवर झाबॉला इनकी जो है डेथ एट्टी फाइव ईयर्स के टेन्योर में हुई और uh, 2013 थर्टीन में थर्ड ऑफ अप्रैल इनकी डेथ हो गई ये एक जर्मन थे थे नहीं थी ये एक जर्मन राइटर थी और वो जर्मन बॉर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन बुकर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट थी मतलब कि इन्हें ब्रिटिश एंड अमेरिकन बुकर प्राइज की विनर थी ये यानी कि इनको ब्रिटिश और अमेरिकन बुकर प्राइज भी मिला था ये एक ऐसी नॉवेलिस्ट थी शार्ट स्टोरी राइटर भी थी ये जो है टू टाइम एकेडमी विनिंग स्क्रीन राइटर भी थी एकेडमी विनिंग स्क्रीन राइटर भी थी तो रूथ परवर झाब वाला जो थी वो अपने आप अप में एक बहुत बड़ी राइटर थी जिनको कई सारे नोटेबल अवार्ड मिल चुके थे नोटेबल अवार्ड में हम ये बता दें कि नाइनटीन में इनको मिला था मैन बुकर प्राइज कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन को लेके मैं बना सकता हूँ और इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप मास्टर हो जाएंगे और मुझ मैं गारंटी से कहता हूँ आप नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही ले जाएंगे बहुत आसानी से कर ले जाएंगे चलिए तो फिर हम बात कर रहे हैं रूथ परवर झाबाला जो मैन बुकर प्राइज़ उनको मिला था 1975 में किस वर्ग के लिए मिला था यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में हीट एंड डस्ट के लिए मिला था किस वर्क के लिए हीट एंड डस्ट के लिए के लिए मिल मिला था और अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि और कौन कौन से अवार्ड मिले थे तो एक अवार्ड जो और ज़्यादा इंपॉटेंट है इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे लेकिन एक अवार्ड जो कि ज़रूरी है बताना 1983 में मिला था बापस्ा अवार्ड फॉर बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीन प्ले फॉर हीट एंड डस्ट हीट एंड डस्ट के लिए इनको बाप्टा अवार्ड भी मिला था तो दो अवार्ड के बारे में हमने यहाँ यहाँ बता दिया एक अवार्ड 1975 में मैन बुकर प्राइज 1983 में बाप्ता अवार्ड मिला था ऑस्कर अवार्ड के भी विनर हैं आफ्टर ऑस्कर अवार्ड की भी ये विनर है मतलब ये फीमेल हैं ठीक तरीके से समझ लीजिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि ये हम इंडियन राइटर्स को डिस्कस कर रहे हैं फिर हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि रूद झाब वाला का जन्म जर्मन में हुआ था ए ब्रिटिश एंड अमेरिकन बु, बुक बुकर प्राइज़ विनर भी हैं तो फिर ये इंडियन कैसे हुई तो फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा ये बताना है कि इंडियन होने के पीछे का ये राज है कि ये इंग्लैंड आई और इंग्लैंड में इन्होंने साइरस झाब वाला नाइनटीन में उनसे इन्होंने शादी की कब शादी की नाइनटीन में इंग्लैंड में इन्होंने साइरस झाब वाला से मैरिज की शादी की एंड आफ्टर मैरी आफ्टर मैरिंग सी मूव्ड टू इंडिया इन 1951 और शादी करने के बाद 1951 में वो इंडिया की तरफ चली जाती हैं ठीक अब इंडिया में आ जाती हैं इंडिया में क्यों आती हैं वो तो इंग्लैंड के थे साइरस झाप वाला जो इनके हस्बैंड थे तो फिर इंडिया में क्यों आते हैं उसका कारण ये होता है क्योंकि साइरस झाप वाला जो होते हैं इनके हस्बैंड वो इंडिया में इंडियन पारसी आर्किटेक्ट थे क्या थे इंडियन पारसी आर्किटेक्ट इतने सारे फैक्ट फ्रेंड्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं आप एक घंटा बैठ के वर्क करते रहेंगे बहुत स्टडी करेंगे इसके बाद ये सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर पाएंगे जो कि आपको दो से तीन मिनट में मिल जा रहा है चलिए रूद परवर झाबवाला के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हमें ये समझ में आता है कि अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कशन हम कर लेते हैं अनीता देसाई पे क्योंकि अनीता देसाई की भी बात हुई है गेम एड टूलाइट गेम एट टूलाइट में हम अनीता देसाई की बात कर चुके हैं तो अनीता देसाई के बारे में जान लें कि वो इंडियन नॉवलिस्ट थी वो भी फीमेल थी अनीता देसाई इनका पहले नाम नहीं था ये अनीता मजोमदार थी बचपन से लेकिन इनकी जो इनके हस्बैंड थे अश्विन देसाई अश्विन देसाई से ये शादी करती हैं नाइनटीन में है ना इनका बर्थ डेट अगर बताना चाहूँ तो नाइनटीन में इनका जन्म हुआ है और अभी भी ये हैं 83 थ्री ईयर की मसूरी की हैं इनके हस्बैंड का नाम अश्विन देसाई है इनकी शादी हुई थी 1958 में ठीक अवार्ड के बारे में अगर हम बताएं तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटर्स के लिए मिला है ये कब मिला था 1978 में मिला था नॉवल है किस नोवेल के लिए इन्हें मिला था फायर ऑन माउंटेन अब हम बात कर रहे हैं अनीता देसाई की अनीता देसाई को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था किस वर्क के लिए फायर ऑन दी माउंटेन वो वर्क क्या था नोवेल था कब पब्लिश कराया गया था या कब उनको अवार्ड मिला था 1978 में मिला था एक अवार्ड और मिला था अनीता देसाई को गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ किस वर्क के लिए मिला था गार्जियन चिल्ड्रेंस फिक्शन प्राइज़ मिला था इनको एक वर्क के लिए जिसका नाम है द विलेज बाय द सी द विलेज बाय द सी ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने वाले हैं इंडियन राइटिंग से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनीता देसाई कोई छोटी राइटर नहीं है एक बड़ी राइटर है उनको साहित्य अकादमी अवार्ड चिल्ड्रेन गार्जियंस फिक्शन प्राइज मिल चुका है साहित्य अकादमी अवार्ड क्यों मिला था फ्रेंड्स फायर ऑन दी माउंटेन के लिए और गार्जियन चिल्ड्रेंस फिक्शन प्राइज क्यों मिला था द विलेज बाई सी के लिए मिला था इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए थोड़ी सी कुछ बुक के नाम हम बताएंगे अनीता देसाई के जो कुछ बुक्स थे एक बुक था क्लियर लाइट ऑफ डे कौन सी बुक थी क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की एक बुक का नाम था क्लियर लाइट ऑफ डे जो 1980 में पब्लिश कराई गई थी उसके बाद फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में आई थी इन कस्टडी आई थी 1984 में इसके बाद द विलेज बाय द सी जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था फ़िक्शन प्राइज गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज मिला था वो किस ईयर में पब्लिश कराया गया था 1982 में क्राई द पिकॉक नाइनटीन में फायर ऑफ द माउंटेन 1977 में द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस 2011 में पब्लिश कराई गई थी वाइस इन द सिटी 1965 में पब्लिश कराया गया जर्नी टू दी जर्नी टू एका नाइनटीन नाइन्टी फाइव में डायमंडस्ट 2000 में ये सारे वर्क जो है अनीता देसाई के थे यानी कि फ्रेंड्स आज हम डिस्कस किए सिर्फ पहले क्वेश्चन को अब उन सभी चीज़ों को छोड़ के आते हैं और क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इज नॉट रिटेन बाय रूद झाब अब तक आप रूद झाबोवाला की कुंडली खोल चुके हैं सारी चीज़ें जान चुके हैं एक बार रिवाइज़ करेंगे सब फैक्ट आपको समझ में आएंगे या फिर वीडियो रोक रोक कर एक बार आप नोट्स बना लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताएं तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप बड़े आसानी से बताएंगे कि ऑप्शन सी गेम सेट टू नाइट क्यों बताएंगे क्योंकि ये अनिता देसाई का वर्क है अब फ्रेंड्स हम चलने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन ऑफ के की एन दारूवाला के एन दारू वाला लो लगता है इनकी भी कुंडली खोलनी पड़ेगी केकी एन दारूवाला कौन थे ये एक इंडियन पोएट थे क्या थे इंडियन पोएट थे चलिए सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं आप लोग चूज कर लीजिए इंडियन राइटिंग से क्वेश्चन है ये तो ईजिली हमें आना चाहिए आइडेंटिफाई द फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन ऑफ के एन दारूवाला इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन ए अंडर ओनियन ठीक अंडर द ओनियन इसका करेक्ट ऑप्शन है एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अंडर द ओनियन कब पब्लिश कराई गई थी 1970 में कराई गई थी दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑप्शन ए करेक्ट है अब दू, दूसरे ऑप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं एपरिशन इन अप्रैल ये कब पब्लिश कराई गई थी 1970 वन में पब्लिश कराई गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर पोएम्स ये कब पब्लिश कराई गई ये 1980 में पब्लिश कराई गई थी और लास्ट है लैंडस्केप लैंडस्केप पब्लिश कराई गई थी 1987 में केकी एन दारूवाला के बारे में फ्रेंड्स थोड़ा सा हम डिस्कस करने करेंगे ज़्यादा सा नहीं कि के एन दारूवाला कौन थे इनका जन्म नाइनटीन में हुआ था कब हुआ था 1937 में इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था कि कि एन दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था किस वर्क के लिए एक पोइट्री कलेक्शन था इनका द कीपर ऑफ द डेड द कीपर ऑफ द डेड इनका एक पोइट्री कलेक्शन था उसके लिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला गया था मिल, मिला था कब मिला था 1984 में मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड और इसके बाद इन्हें 2014 में पद्मश्री मिलता है पद्मश्री अवार्ड पदम श्री श्री अवार्ड क्या होता है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया ये भी इनको मिल चुका है इनकी कुछ बुक को डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं लव एक्रॉस द साल्ट डिज़र्ट 2011 में आई थी किसकी के की एन दारूवाला की कौन सा वर्क लव एकरॉस दाल्ट डिजर्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेयरिंग द सॉलीटूड इक्कीस अगस्त टू थाउजेंड एटीन को आया था दी आ, दी ग्लास बॉलर टू थाउजेंड एट में आया था ए हाउस इन रानी खेत टू थाउजेंड थ्री में थ्री में आया था और फॉर पेपर एंड क्रिस्ट ए नॉवल टू थाउजेंड नाइन में आया था ये सारे वर्क इनके थे एक वर्क था जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था दी घाघरा इन स्पेट द घाघरा इन स्पेट ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर चुके हैं के के एन वाला को जो कि सेकेंड क्वेश्चन था और इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए अंडर द ओनियन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं इन वन ऑफ आर के नारायण नॉवल द हीरो डाइज ए रियून्ड मैन नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डाई बट सरकम स्टेंसेस कंस्पायर दैट द ओनली अल्टरनेटिव बिफोर हीम इज़ टू बिकम ए मार्टीन द नेम ऑफ द नावल ये आर के नारायण के किस नावल की कहानी बताई गई है ये आर के नारायण के किस कहानी की कौन सी कहानी है दी गाइड द गाइड इसका करेक्ट ऑप्शन है और फ्रेंड्स दी गाइड जो है क्या है नावल है कब पब्लिश कराया गया था 1958 में कराया गया था तो फ्रेंड्स मिस्टर शाम्पथ ऑप्शन ए जो है इसका ऑप्शन ए मिस्टर सोनपथ जो है साइनपथ लिखा है इसको यस yes, एम है यानी ई e. नहीं एम है तो मिस्टर सोमपथ जो है वो आ, उसका सब टाइटल है द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी ये पब्लिश हुई थी आ, ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन फोर्टी नाइन में और ऑप्शन सी द डार्क रूम जो दिया गया है द डार्क रूम जो पब्लिश हुई थी 1949, थर्टी एट में द डार्क रूम के बाद द बैचलर ऑफ आर्ट है वो नाइनटीन थर्टी सेवन में पब्लिश कराई गई थी तो ये सारे वर्क हमने कवर कर लिए और इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आर के नारायण के बारे में आर के नारायण जी आर के नारायण का सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर के नारायण का फुल नेम क्या है रशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इनका पूरा नाम है आर के नारायण का ठीक है आर के नारायण का जन्म जो हुआ था 1906 में हुआ था मद्रास में हुआ था मद्रास प्रेसिडेंटी में हुआ था प्रेसिडेंसी में हुआ था 2001 में चेन्नई में इनकी डेथ हो गई थी इनको अवार्ड जो मिला था आर के नारायण को अवार्ड मिला था पद्म भूषण फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी के लिए पद्म विभूषण भी, भी इनको मिला था ये सारी चीज़ें आर के नारायण को मिला था आर के नारायण जो थे आर के नारायण की जो कुछ वर्क हैं मालगुड़ी की कहानियाँ मालगुड़ी की कहानियाँ थी बहुत फेमस है वो 1942 में इसको इन्होंने पब्लिश कराया था स्वामी एंड फ्रेंड्स स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में पब्लिश कराया था द इंग्लिश टीचर 1945 में इसको पब्लिश कराया इन्होंने और उसके बाद द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में इसको पब्लिश कराया था इन्होंने तो फ्रेंड्स ये थी क्वेश्चन नंबर थ्री की एक्सप्लेनेशन और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यानी कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है आइडेंटिफाई द नावल ऑफ कमला मार्कंडेया एक और नया नाम हिंदी लिटरेचर से कमला मार्कंडेया विच डिस्क्राइब्स हाउ द इंडियन इंडिपेंडेंस अफेक्टेड ए प्रिंसली नेटिव स्टेट अब ये प्रिंसली नेटिव स्टेट की बात हो रही है कि कमला मारकंडे विच डिस्क्राइब्स हाउ द इंडियन इंडिपेंडेंस अफेक्टेड ए प्रिंसली नेटिव स्टेट इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द गोल्डन हनी कम्ब ग हनी कम कब पब्लिश कराया गया था नाइनटीन सेवेंटी सेवन में अब ऑप्शन ए पर आते हैं द नो वेयर मैन ये कौन सा है द नो वेयर मैन नो वेयर मैन कब पब्लिश कराया गया था नाइनटीन सेवेंटी टू में और नेक्स्ट ऑप्शन इसका है सम इनर फ्यूरी सम इनर फ्यूरी पब्लिश कराया गया था 1952 में लास्ट ऑप्शन है पोसीशन पोशीशन पब्लिश कराया गया था 1963 में कम कमला मारकंडे कौन थे थोड़ा सा इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं एग्ज़ाम में आ सकता है कुछ जरूर इधर से आ सकता है उधर से आ सकता है कमला मारकंडे एक नॉवलिस्ट थे इनका जन्म कब हुआ था 1924 में हुआ था मैसूर में हुआ था और डेथ कब हुई थी इनकी डेथ हुई थी टू 2004 में सिक्सटीन ऑफ मई को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई थी बुक्स का नाम अगर बताएं तो नेकटरी इन ने सीव जो कि नेक्टरी ने सीव बहुत फेमस वर्क है 1954 में पब्लिश कराया था ए हैंडफुल ऑफ राइस 1966 में कमला मार्कंडिया ने पब्लिश कराया था ए साइलेंस ऑफ डिज़ायर 1960 में टू वर्जिनस ए नावल 1973 में प्लेजर सिटी 1982 में बुकर प्राइज ये मिला था नहीं इनको बुकर प्राइज बुकर प्राइज नहीं मिला था प्लेजर सिटी 1982 में ये इनके वर्क हैं आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे विच अवार्ड डिड अरुंधति राय गेट फॉर हर डेब्यू नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था बुकर प्राइज मिला था इनको किस अवार्ड किस के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखने के लिए इनको मिला था बुकर प्राइज़ बुकर प्राइज़ इनको मिला था लेकिन किस ईयर में 1997 नाइन्टी सेवन में मिला था अच्छा अब बात करते हैं अरुंधति राय की तो अरुंधति राय का जन्म कब हुआ था 1961 सिक्सटी वन में हुआ था कब हुआ था नाइनटीन सिक्सटी वन में हुआ था इनके कुछ वर्क की बात कर लेते हैं अरुंधति नार राय के इन्होंने लिखा था एक वर्क हैपीनेस 2017 में द इंड ऑफ इमेजिनेशन लिखा था 1998 में माय सी टी सी एस हार्ट टू में लिखा था लिसनिंग ऑफ लिसनिंग टू ग्राश ओपरस टू में लिखा था और इन्होंने लिखा था वॉकिंग विद द कॉम्रेड्स नाइनटीन टू में लिखा था कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी 2014 में लिखा था ये सारे अरुंधति राय के वर्क्स हैं एक बार वीडियो को रिपीट करके ये सभी वर्क को आप नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे आपको सारे अरुंधति के रा, राय के वर्क लर्न हो जाएंगे ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है दिस राइटर इज़ ए साहित्य अकेदमी अवार्ड विनर एंड ही लव्स टू राइट फॉर चिल्ड्रेन हु इज़ ही इसका करेक्ट ऑप्शन है रस्किन बोंड इसके करेक्ट ऑप्शन है रस्किन बोंड ठीक रस्किन बोंड कौन थे भैया 1934 को इनका जन्म हुआ था पद्मश्री भी मिला पद्म भूषण भी मिला रशकिन बोंड को इस इनके कुछ वर्क का नाम है द रूम ऑन द रूफ 1956 में द ब्लू अम्ब्रेला 1974 में द नाइट द नाइट ट्रेन एट देवली नाइनटीन एटी एट में रस्किन बॉन्ड के ये सारे वर्क हैं ए फ्लाइट ऑफ पीजन नाइनटीन सेवेंटी एट में डेली इज नाट फॉर नाइनटीन नाइन्टी फोर आवर ट्रीज इज स्टिल ग्रो इन देहरा 1991 में और एक था चेरी ट्री 1980 में ये सारे वर्क इनके थे रस्किन बॉन्ड के अब चलते हैं नेक्स्ट उसी क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी पे खुशवंत सिंह कौन थे खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था पाकिस्तान में और इनकी डेथ हुई थी 2012 में दिल्ली में पद्म भूषण इनको मिला था पद्म विभूषण भी, भी इनको मिला था इनकी बुक्स है ट्रेन टू पाकिस्तान नाइनटीन में बहुत फेमस है खुद खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में खुशवंत सिंह की एक बहुत फेमस वर्क है क्योंकि 1947 में जो हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था उस पार्टीशन में इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है ट्रेन टू पाकिस्तान में जो 1956 में पब्लिश कराई गई है और फ्रेंड्स इनकी खुशवंत सिंह के कुछ और वर्क हैं ए हिस्ट्री ऑफ द सिख 1963 में 1963 में ये पब्लिश हुई है ए हिस्ट्री ऑफ द सिख नेक्स्ट वर्क है ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलिस 2002 में इन्होंने इसको पब्लिश कराया है खोचवंत सिंह ने 2002 में कराया और उसके बाद 1999 में द कंपनी ऑफ वोमेन कराया 1919 में 1990 में दिल्ली ए नावल किया 2007 में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इन्होंने लिखा बहुत फेमस वर्क है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार द सनसेट क्लब 2010 में खुशवंत सिंह की रचना है खुशवंत सिंह का वर्क है अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवन पे हु सेज ए पोएम कंप्राइजेस गेम्स रीडल एंड एक्सीडेंट्स द पोएट क्रिएट्स एज मेनी एक्सीडेंट्स एज ही कैन इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स जल्दी से आप चार ऑप्शन देखिए अरविंद कृष्णा महरोत्रा मेहरोत्रा फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा इनका जन्म कब हुआ था 1947 में ही हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1947 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसी समय अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा उसी ईयर में इनकी इनकी बर्थ हुई थी ये कौन थे पोइट थे इन्होंने क्या किया था हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में इसको वर्क इस वर्क को इन्होंने एडिट किया था और ऑप्शन बी देख लेते हैं ऑप्शन बी में क्या है रवीन्द्राथ टैगोर बहुत फेमस वर, राइटर हैं ये इंडियन लिटरेचर के रवीन्द्रनाथ टैगोर की का जन्म कब हुआ हुआ था 1861 में कोलकाता में हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी 1941 में हुई थी वेरी गुड क्या मिला था इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था 1913 में मिला था इनके कुछ वर्क हैं जिनको हम बताना चाहेंगे गीतांजलि है घोर बेयर है गोरा है जनगर मन है रविंद्र संगीत है आमार सोनार बांग्ला है ये सारे इनके वर्क हैं और उसके बाद जो ऑप्शन सी हम देखते हैं यहाँ कमला दास कमला दास बहुत फेमस साउथ इंडियन राइटर हैं पोट्स थी उनके इस पाउस का नाम था माधवा दास माधवा दास जो है कमला दास हो गई है माधवा दास से इनका जन्म हुआ था 1934 में और डेथ हुई थी 2009 में कमला दास की कमला दास को केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कमला दास को कौन सा अवार्ड मिला था केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इनका पेन नेम था माधवी माधवी कुट्टी माधवी कुट्टी इनका कमला सुरैया के नाम से भी जानी जाती हैं ये तो ये कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में कमला सुरैया माधवी कुट्टी या फिर कमला दास कौन थी तो आप समझ गए कमला दास का जो जन्म हुआ था वो 1934 में हुआ था और डेथ हुई थी 2009 में इनके इस उसका नाम माधव दास था इनका नाम पूरा आप जान गए साहित्य केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला था और पेन नेम इनका था माधवी कुट्टी ये जान गए इनके वर्क का नाम है माई स्टोरी माई स्टोरी कब पब्लिश कराई गई थी इंग्लिश में माई स्टोरी इंग्लिश में पब्लिश कराई गई थी 1977 में लेकिन फ्रेंड्स ये जो इंडिया में जब पब्लिश कराई गई थी मतलब ये इंग्लिश में तो नाइनटीन में था लेकिन जो इन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा था मलयालम में वो उसका पब्लिकेशन डेट है वन फेबर फेबरुअरी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में यानी कि जब तो क्वेश्चन आता है सिर्फ इतना आता है कि माई स्टोरी का पब्लिकेशन डेट बताना है तो वन फेबरवरी नाइनटीन सेवेंटी थ्री बताना होता है और कुछ और वर्क के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो नेक्स्ट वर्क हो सकता है द ओल्ड प्ले हाउस जो कि नाइनटीन में पब्लिश कराया गया था कमला दास के द्वारा उसके बाद अगर हम कुछ वर्क के बारे में समझें तो वो वर्क है इनकाउंटरिंग कमला 2007 में इसको इन्होंने पब्लिश कराया था तो अभी तक हमने बात कर लिया है ऑप्शन ए जो कि अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा है इनका जन्म 1947 में हुआ था रविन्द्र टैगोर की हमने बात की रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको मिला था कमला दास के बारे में हमने बता चुका है जो कि बहुत ही फेमस साउथ इंडियन पोइटिस थी है ना अब फ्रेंड्स चलते हैं ऑप्शन एक लास्ट जो बता है बचा है ए के रामानुजन ए के रामानुजन का जन्म हुआ था 1929 में और डेथ कब हुई थी 1993 में हुई थी इनका पूरा नाम ए और के जो ए के रामानुजन में ए और के है इसका मतलब क्या होता है एट्टी पेट कृष्णा स्वामी रामानुजन इनको पद्मश्री भी मिल चुका है साहित्य अकेदमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटर के लिए भी मिल चुका है तो एक फेमस पोएट हैं इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है ए के रामानुजन के बारे में फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट कहता है कहता है कि द पोय द घाघरा इन स्पीड इज रिटेन बाई यहाँ आपको फोर ऑप्शन दिए जाते हैं यन दारो वाला जयंत महापात्रा निजम स्कील शिव की कुमार इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दारूवाला इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है य दारूवाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन बी है जयंत महापात्रा ये एक पोएट थे य दारूवाला के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन टू में पूरे डिटेल से तो एक बार अगर फिर से आप एन दारूवाला के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं अब हम बात करते हैं जयंत महापात्रा जो कि ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है एन दारूवाला और ऑप्शन बी जो दिया गया है जयंत जयंत महापात्रा वो कौन थे एक पोएट थे फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेदमी अवार्ड ये पहले इंडिया के ऐसे पोएट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था इसलिए ये पोएट जयंत जयंत महापात्रा इम्पॉर्टेंट पोएट हैं हम लोगों के एग्ज़ाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इन जयंत महापात्रा के कुछ वर्क की अगर बात कर लें तो इन्होंने एक लिखा है वर्क रिलेशनशिप 1980 में और बेयर फेस 2010 में लिखा है ए रेन ऑफ रीथ्स 1976 में लिखा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अच्छा इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर निज़म एज़िकल जो है ऑप्शन सी में ये कौन है इंडियन जेविस पोएट है इनका जन्म 1924 में मुंबई में हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी इनको भी पद्मश्री मिला है निजिम इस्कूल इज इस इजूल इजिक इस इस निम इसील को है ना और इसके बाद शिव के कुमार के बारे में छोड़ते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन नेम द इंडो इंग्लिश नॉवलिस्ट ए सूटेबल बॉय जिसने एक सुटेबल बॉय लिखा था उनका क्या नाम है तो उनका नाम है विक्रम सेठ क्या नाम है विक्रम सेठ ये कौन सा मतलब इस ये सुटेबल बॉय क्या है एक नावल है कब पब्लिश कराई गई थी नाइनटीन नाइन्टी थ्री में पब्लिश कराई गई थी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे सलमान रुशदी सेम इस सेट इन सलमान रुशदी का जो शेम है वो कहाँ पर सेट किया गया था तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पाकिस्तान में सलमान रुशदी का शेम जो है उस सेटिंग है उसकी पाकिस्तान में क्वेश्चन नंबर अलेवन को अगर हम देखते हैं कि इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉवेल्स इंसिडेंट रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975 फिगर इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रोहिंटन मिस्ट्री सच लॉन्ग जर्नी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और फ्रेंड्स ये लास्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ पोइट्री कम्स फ्रॉम ए रेन कम्स फ्रॉम ए रीजन अबाउट अबब अस्थ ए प्लेन ऑफ आवर बींग अबब एंड बियॉन्ड आवर पर्सनल इंटेलिजेंस इसका क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से पूछी गई है या किसके वर्क से ली गई है तो सर और बिंदो इसके राइटर हैं ये जो लाइन है इसको लिखा है सर अरविंदो ने फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और आगे भी अगर आपको ये वीडियो इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं थैंक यू सो मच